एक त्रिपाक्षिक वार्ता आरंभ करेंगे, पॉलिटिकल डायलॉग आरंभ करेंगी कि इस समस्या का समाधान हो सके, वहां शांति बहाल हो सके, वहां के स्कूल कॉलेज खुल सके, वहां की शिक्षा व्यवस्था सुचारू हो सके, चाय बागान खुल सके। पिछले 150 साल में पहली बार हुआ है कि जो सेकंड फ्लश ऑफ टी लीव प्लकिंग होता है वो इस बार नहीं हुआ, और जिसके कारण टी ऑक्शन भी ओपन नहीं हो सका। लोगों ने कुछ ऑनलाइन तो किया है, किंतु जो टी ऑक्शन के माध्यम से होना चाहिए था नहीं हो सका है, और इसमें वहां की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा। और चूंकि हमारे ऊपर से ही अपना सिक्किम लोग जाते हैं, सिक्किम की मैं रिपोर्ट ले रहा था, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से, क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां बागडोगरा एयरपोर्ट की वेलफेयर का चेयरमैन हूं, तो मैं रिपोर्ट ले रहा था कि यात्रियों की गिरावट कितनी आई। तो उसने कहा कि सर 50% हो गया। तो जो लोग जाते हैं हमारे यहां से वहां पर्यटन के लिए, उनका भी बंद हो गया, पर्यटन उद्योग बंद हो गया। इन सारी चीजों को विचार करते हुए मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और फाइनली फिर मैं एक बार अपील करता हूं कि जो आमरण अनशन चल रहा है पिछले 14 दिनों से, उन नौजवान भाइयों को मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं उनके प्रतिनिधि के रूप में, कि आप की वेदना को हम समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, पर आप अपना आमरण अनशन कृपया करके गांव के किसी भी मुखिया को, वृद्ध आदमी को बुलाकर, किसी मां को बुलाकर, किसी नानी को बुलाकर, उसके हाथ से नींबू पानी पाक पी के उसको समाप्त करें। धन्यवाद। दूसरा एक और बात रह गया। दुर्भाग्य से पिछले 1.5 महीना से इंटरनेट बंद है, और इसी बीच बच्चों के हायर स्टडीज के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में अप्लाई करने की डेट थी, इतना तक कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और हमारी जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, बंगाल की यूनिवर्सिटियां और दिल्ली की यूनिवर्सिटी या पुणे और बेंगलोर की यूनिवर्सिटी, सब जगह ऑनलाइन अप्लाई करके एडमिशन लेने की जो तारीख थी, हम जहां जहां तक पहुंच सके हमने तारीखें बढ़वाई कि हो सकता है अगले हफ्ते इंटरनेट आ जाएगा, पर इंटरनेट नहीं आया। बहुत सारे सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी ऑनलाइन एडमिशन की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। दूसरा, जीएसटी का माइग्रेशन हुआ और सबको कहा गया था कि 31 जुलाई के पहले आप अपने सारे सेंट्रल एक्साइज सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स के नंबर जो है वो माइग्रेट करके जीएसटी में आ जाइए, वन टैक्स वन नेशन है ये करके जो एक नया रिजीम शुरू हुआ 1 जुलाई को, तो 30 जून तक ये कंप्लीट करना था, वो नहीं कर सके। अब
उसके साथ साथ जो हमारे पास में बहुत सारे संपर्क हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री में काम करते हैं, उनका भी अनुरोध आता है वहां के प्रतिनिधि के रूप में कि हम अपने परिवार के सदस्यों से बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं कर सकते। हमारे बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं, हम उनसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेते थे, वो भी नहीं हो रहा। तस्वीर नहीं देखी माँ की, अपने बच्चों की तस्वीर नहीं देखी और बड़े भावुक हो जाते हैं इन सारी चीजों को। और फिर जो लोकल चैनल, केबल टीवी जो है, सब कुछ बंद कर दिया। कुछ लोग फेसबुक चलाते थे, फेसबुक के माध्यम से कुछ करते थे, वो भी बंद कर दिया। ये सारा भी पिछले डेढ़ महीने से बंद है। मेरा आग्रह पश्चिम बंगाल सरकार से है कि आज कलकत्ता के लोगों को अगर जैसे जिसके घर में पंखा है, दो मिनट के लिए लोड शेडिंग हो जाए, लगता है प्राण निकल जाएगा, पर उससे भी ज्यादा अभी हुआ है कि अगर व्हाट्सएप ना कम करता हो या मोबाइल में सिग्नल ना आ रहा हो तो लगता है कि हम भी खो गए और वो भी खो गए, सारी दुनिया निकल जाती है। तो पिछले डेढ़ महीने से वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं कि वो भी होना चाहिए कि चालू हो तुरंत, उसकी भी व्यवस्था हो और शांति बहाल करने में इसका भी एक योगदान होगा। हाँ, अभी इनकम टैक्स का रिटर्न, जैसे हमने जीएसटी का बताया, लोग अभी अपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर सके, ऑनलाइन करना है, है? अभी तीन दिन है तो तीन दिन के पहले भी करेंगे तभी तो होगा, है? 48 घंटा है तो 48 घंटे के लिए भी अगर कुछ होगा तभी होगा। अब वो करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, किंतु ये आग्रह मेरा मुख्यमंत्री को है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने आदेश पर ये बंद कराया। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।